क्रमांक पूर्वाध्वा 19। यहाँ से अब वेरुल एलोरा की लीलाएं शुरू होंगी 190 से 243 तक। लीला क्रमांक पूर्वाध्वा 19, एलोरा की राजविहार गुफा में अवस्थान। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय गदाना से निकलकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने एलोरा गांव की ओर प्रस्थान किया। वहां के पर्वत प्रदेश में विद्यमान राजविहार नाम की गुफा में आए। यहाँ 3 दिन भगवान ने निवास किया। ऊंची चौकी पर बिछाए आसन पर भगवान विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के श्री चरणों को पानी से धोया, उनकी पूजा अर्चना की, भगवान ने भोजन किया। रात को यहीं विश्राम किया। 3 दिन भगवान यहीं रहे और बाईसा प्रतिदिन यहाँ भगवान का त्रिकाल पूजा अवसर करती रही और भोजन बनाकर खिलाती रही। चांगदेव एलोरा के बाजार से सामान ले आते थे। राजविहार में आते समय भगवान पहाड़ी के ऊपर के रास्ते से नीचे उतरकर गुफा में गए थे। 3 दिन निवास करने के कारण इसे अवस्थान स्थान कहते हैं। लीला का हेतु, इस राजविहार गुफा में 3 दिन निवास कर इस स्थान को विशेष रूप से संबंध देकर भगवान ने यहाँ कृपा माया शक्ति का निक्षेप किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 190 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 191, भयंकर शब्दों को सुनकर चतुर्विध के मंदिर में निवास। एलोरा में आने के बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने पहले 3 दिन राजविहार गुफा में निवास किया। वहां रात के अंधकार में भयंकर आवाजें आती रहती थी। कभी तो सांडों के डकारने की, तो कभी स्त्रियों द्वारा लोरियों के गीत गाने और अनेक प्रकार के पक्षियों की आवाजें रात के समय होती रहती थी। कभी कभी भालुओं की, कभी परस्पर बातें करने की आवाज आती रहती। इन भयंकर आवाजों को सुनकर बाईसा को बहुत डर लगता था। वह रात को सो नहीं पाती थी। चौथे दिन बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान मुझे यहाँ रात को बहुत डर लगता है, नींद नहीं लगती। तब चांगदेव ने बाईसा से कहा, माता जी आपको यहाँ डर लगता है क्या? फिर भगवान ने भी बाईसा से कहा कि यदि उन्हें यहाँ रात को डर लगता है तो कोई अन्य निवास स्थान देख लेते हैं। फिर भगवान वहां से कोई स्वस्थ और योग्य स्थान को देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने वहां विद्यमान बहुत से मंदिर देखे। उनमें से चतुर्विध का मंदिर योग्य समझकर भगवान ने वहां रहने का निश्चय किया। फिर वे शाम के समय चतुर्विध के मंदिर में गए। भगवान ने बाईसा से कहा, माता वह स्थान योग्य और सत्वस्थ है। फिर भगवान ने वहां के चतुर्विध मंदिर में 6 महीने निवास किया। फिर भगवान ने वहां के चतुर्विध मंदिर में 6 महीने निवास किया। लीला का हेतु, राजविहार गुफा में निवास करते हुए बाईसा को जो भयंकर शब्द और आवाजें सुनाई पड़ती थी वे क्या थी और कहाँ से आती थी? इस विषय में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने स्वयं ही बता दिया था कि वहां देवताएं निवास करती थी, भूत उस स्थान की रक्षा करते थे। भगवान के आने पर उनका प्रतिबंध हो जाना चाहिए था, पर ईश्वर नहीं चाहते कि सृष्टि की व्यवस्था में कोई व्यवधान हो अथवा देवताओं के कार्य में कोई रुकावट आए। परमेश्वर देवताओं के सामर्थ्य को भी पूरा करने में सहयोगी बनते हैं, पर यह कहा गया है कि अनुसरण ग्रहण किए व्यक्ति को देवता अपना भयानक रूप दिखाती नहीं। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 191 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।